सर आप अपने गीत को जब स्टार्ट करते हैं तो आप कौन सी वंदना गाते हैं? मैं माता सावित्री बाई फूले मेरी देवी है, बाबा साहब मेरे भगवान हैं, बाबा साहब ने मुझे दिया है, बाबा साहब ने अधिकार दिया, बाबा साहब ने सम्मान दिया, बाबा साहब के द्वारा माइक मिला, बाबा साहब के द्वारा ये वस्त्र मिला, बाबा साहब के द्वारा ये शानदार जीवन मिला, तो जो सब कुछ दिया है मैं उसकी वंदना करता हूँ। पहले मैं भी करता था सरस्वती का, हम सवा उड़ावत आ गिलु माई हो, लेकिन जब खोजने लगा, जब ज्ञान की ज्योत जली मेरे दिमाग में, तब मैं समझ गया कि ओ ये तो समाज के साथ गलत हो रहा है। हमारा ही समाज पैसा देता है, मंच देता है, माइक देता है, सम्मान देता है, माला पहनाता है, साफा बांधता है, और हम जा करके अपने ही समाज के बीच में लोगों को पाखंड गा के सुनाते हैं। सर मैं बहुत से मंचों पे सुना हूँ और देखा भी हूँ, जहाँ जाता हूँ जो बिरहा जब स्टार्ट करते हैं लोग, तो सबसे पहली लाइन उनकी शुरू होती है, सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दी है ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। अच्छा सर शुरुआत यहाँ से करते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं सरस्वती, नहीं नहीं जगदम्ब जी, सर्व झूठ है सरस्वती, महा झूठ जगदम्ब, दुनिया में जो कुछ है मात पिता यो हम, क्योंकि माँ ने जन्म दिया है, पिता ने पढ़ाया है, पिता ने पेट काट काट करके मेरे लिए संपत्ति करोड़ों की बना करके धरती को अलविदा किया है जी, और इसके बाद मेरा कोई भगवान है तो मेरा बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने संविधान में सारा अधिकार भी हमें दे दिया। आज हमारे पास जमीन है, जायदाद है, सम्मान है, नौकरी है, हम ISPCS हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं, प्रधान प्रमुख हैं, MP MLA हैं जी, तो ये सरस्वती की कृपा से नहीं है, बोधिसत्व बाबा साहब पूज्य BR अम्बेडकर की वजह से। सर जितने, और जिस दिन समाज मेरी भाषा को समझ गया उस दिन भारत बृहद भारत बनेगा। सर जितने कलाकार बंधु और भाई लोग हैं, सर अपनी एक लास्ट लाइन में और बहुत छोटे शब्दों में उनको एक मैसेज दें ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि सत्य क्या है। मैं सभी कलाकारों का सादर सम्मान करते हुए सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप समाज के प्रदर्शक हो, समाज के आप जीते जागते प्रहरी हो, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या सत्य को मानना चाहिए या झूठ को मानना चाहिए, सत्य और असत्य पर तर्क कर लीजिए, क्या सत्य हो सकता है वो जाकर के अपने समाज के बीच में रखिए और अपने समाज को समझाइए, अपने समाज को बताइए। सर मैं, हम सुनिए, हमारा बाप कौन है हम किसी को बता ही नहीं पाते हैं, हम दूसरे के बाप की बात करते हैं जाके। आदमी आज अधिकार वंचित क्यों है? इस देश का मूल निवासी समाज अधिकार वंचित इसलिए है कि कभी इन्होंने अपने इतिहास को, अपने पुरखों को, अपने महापुरुषों को कभी नहीं पढ़ा जी। ये मोटा मोटा रामायण भागवत रख लिया घर में, लेकिन एक संविधान रखने की हैसियत ये समाज नहीं समझ पाया, यही कारण है कि ये समाज अधिकार वंचित है। इलेक्शन में इस समाज की बहन बेटियों की साड़ी खींची जाती है, ये तमाशगीर बन करके देखता रह जाता है, लड़ता रहता है, लाठी भी खाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। सर इस समाज को दिमागी रूप से बलहीन कर दिया गया है। जिस दिन देश मेरी भाषा को समझ गया, जिस दिन मेरी बात को समझ गया, उस दिन इस देश में हमारे 85 मूल निवासी के लोग ये नहीं सोचेंगे कि अब देखा तो सरकार के कर आवेले, अरे सरकार नहीं, जो सरकार में है वो गांव का प्रधान भी बनने लायक नहीं है, लेकिन हमारी मूर्खपना का पूरा लाभ लेकर के वो चारों तरफ देश में छाए हुए हैं, हमें अधिकार विहीन रखे हैं, जब चाहत लतियावत हवा, गुजियावत हवा, पीटत हवा, मुकदमा करत हवा, जेल में डालत हवा, और हमारा समाज पोछ पीछे करके चला, कौन बात ना हमारी पना न हो, ये तो चौहान जी गई लें जेल में, चौहान जी कहते हों तो यादव जी गई लें, अभी रामाकांत यादव को 24 साल पुराने मुकदमा जी, जिसका कोई मतलब नहीं है, समझौता भी हो गया था, 24 साल
पुराना मुकदमा उठा करके जबरदस्ती उन्हें जेल में डाल दिया गया है। अब खोज खोज के मुकदमा लाद रहे हैं कि इनको कम से कम 4-6 साल जेल में ही रखा जाए। ऐसे देश चलता है। जोगी जी का जितना भी मुकदमा वापस हुआ है जी, माननीय आदित्यनाथ जी का जी, कहीं सरकार बदल गई और सारे मुकदमा को खोज लिया गया जी, कहीं इनकी क्या स्थिति होगी, शायद इस चीज को ये नहीं जानते हैं सर। तो मैं देखिए, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि सिर्फ इस देश में समानता हो। जिस दिन भारत में समानता और समता मूलक का भाव लोगों के अंदर हो गया, बंधुता, स्वतंत्रता, भाईचारा जिस दिन पैदा हो गया, ये सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बीमारी तो दूर हो जाएगी, लेकिन जो मंदिरों का 88 लाख करोड़ है वो बंद हो जाएगा जी जी। तो मुट्ठी भर लोगों के पास जो 88 लाख करोड़ का मलिकाना जा रहा है वो बंद हो जाएगा, और वो जैसे मछली को जल से बाहर रख दीजिए वो छटपटाने लगती है, छटपटा के मर जाती है, वो स्थिति हो जाएगी। मैं बार बार अपने लोगों से एक बात समझा रहा हूँ कि यहाँ लड़ाई की जरूरत नहीं है, ये वैचारिक क्रांति है, विचारधारा का मामला है। जो सत्य नहीं उसे क्यों मान रहे हो? असत्य को मानने का कारण है कि आप सत्ता विहीन। बीच में अखिलेश यादव जी कहे थे कि जहां एक पत्थर रख दीजिए, लाल झंडी गाड़ दीजिए, वहीं देवी देवता शुरू हो जाते हैं, वहीं मंदिर बन जाता है, वहीं देवता पैदा हो जाते हैं। कितना इनका पुतला जलाया गया। अभी राजस्थान की जो घटना हुई है जी जी, मटकी से पानी निकालने पर एक शिशु की हत्या कर दी गई जी जी, कहीं हो रहा धरना प्रदर्शन। लेकिन कम से कम हजारों जगह अखिलेश यादव का पुतला दहन उस बयान पर किया गया था, सारे पोंछ दुबा के बैठे थे, क्योंकि लोगों को दिमागी रूप से इतना बलहीन कर दिया गया है, ताकतहीन कर दिया गया है कि लोग अपनी बात भी शानदारी से समाज में करने की हैसियत पिछड़ा समाज नहीं रख पा रहा है जी। सर आप आए हमारे स्टूडियो में, शायद आपके इस डिबेट को सुनने के बाद जितने लोग सुनेंगे इस डिबेट को, कुछ ना कुछ उनके में परिवर्तन जरूर आएगा। परिवर्तन ना आई तो भोगी हैं, हमके कहाँ होखा वाला हम तो जानत नहीं, हमके एकर कोनो चिंता फिक्र ना है। लेकिन सर हम कायरों का जीवन धरती का बोझ बन के नहीं जिएंगे, मरेंगे तो शानदारी की मौत मरेंगे, समाज के लिए मरेंगे, पेट के लिए और परिवार के लिए हम मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब के भक्त नहीं हैं, अनुयायी हैं। हम उस दृश्य को देखते हैं जब बाबा साहब कि 4-4 बच्चे मर गए, पत्नी मर गई, विधवा का उन्होंने बलिदान दे दिया, लेकिन इस समाज के लिए जो सपना देखा था, इस समाज के लिए जो मोमेंट उन्होंने उठाया था, उससे उन्होंने समझौता नहीं किया। तब आज ये समाज लग्जरी गाड़ी में टाइट माड़ी वाला पैर के गमछा फेंक के अपन ही तरह चलत है, जैसे जना था कि ब्रह्मा विष्णु दे ले। जिस दिन संविधान हट गया ना इस देश में, 85 मूल निवासी समाज को आज बता दे रहा हूँ, उस दिन आपकी हैसियत का अंदाज चल जाएगा कि आप कितनी शानदार व्यक्ति हो, कितनी बड़े नेता हो, उसी दिन आपको पता चल जाएगा। सर आप हमारे स्टूडियो में आए और हर एक सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।